हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वेडनेसडे मार्केट क्लोज हो चुका है, तो आज क्या करेंगे हम देखेंगे आज के मार्केट से हम क्या सीख सकते हैं और कल मार्केट कैसे होने वाला है। वैसे भी कल एक्सपायरी है, सब कुछ हम देखेंगे। ओके, तो प्रीमियम ग्रुप का जो प्रॉफिट है सबसे पहले वो बता देते, तो 9000 प्लस का प्रीमियम ग्रुप में आज प्रॉफिट है। अगर आपको जानना है कौन कौन सा कॉल्स हमने काम किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी वीडियो का आप टाइम टू टाइम मिल पाए। तो आज मार्केट का मूवमेंट कैसा, बैंक निफ्टी में देखो मार्केट ओपन हुआ गैप अप, देखो गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट में यहाँ पर क्या पैटर्न फॉर्म किया है आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। ओके, तो इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है। अगर आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता नहीं है तो प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, वो देख लेना। अगर आपको पता होता तो आप उस बेसिस पे ट्रेड लेकर अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पर इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है। ओके, तो ये इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया और इसके नीचे जो कैंडल कंटिन्यू है यहाँ पर आप अगर एंटर करते सेलिंग सेट के लिए, और देखो यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल जाता और मेरा लेवल्स था कि इस लेवल्स के ऊपर बाय करना है आपको, बट वैसा कोई मिला नहीं आपको चांस, और इस लेवल्स के नीचे आपको सेल करना है और सेलिंग के लिए भी कोई चांस नहीं मिला होगा। बट ये पैटर्न फॉलो करके अगर आप ट्रेड करके करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो जाता। ठीक है, तो आज का तो हो गया हमारा प्रॉफिट, तो देखते हैं कल क्या हो सकता है। ओके, तो प्रीवियस लेवल्स को डिलीट करके डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तब तक के लिए आप एक काम करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और हाँ हमारा प्रीमियम ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिनिमम सा फीस पे करके ज्वाइन हो सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हर रोज आप बुक कर सकते हो। और अगर आपको फ्री में ज्वाइन होना है तो एलएस ब्लू का अकाउंट ओपन करके क्लाइंट आईडी व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, हम आपको ऐड कर लेंगे। तो चलो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, तो देखते हैं नियरेस्ट सपोर्ट है। ये एक ऐसा लेवल है और मार्केट इस लेवल के यहाँ पर ही पास में होल्ड कर रहा है। ओके, होल्ड कर रहा है मतलब अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट सीधा ऊपर तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके, अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो सेलिंग साइड के लिए आएगा प्रेशर, बट इतना ज़्यादा तेज़ी से मार्केट फॉल नहीं होगा। तो बस कामना करो कि इस लेवल को ब्रेकआउट करे मार्केट और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे के जाए। पोजिशन ट्रेडिंग के लिए भी आप बाय करके तब होल्ड कर सकते हो अगर इस लेवल्स को आप ब्रेकआउट करता है मार्केट 37,000 का लेवल्स। तो 37,000 का लेवल्स हम मार्क कर लेते एक बारी, 37,000 का लेवल्स हमने मार्क कर लिया, और सपोर्ट क्या है नियरेस्ट वो भी देख लेते एक बार। तो नियरेस्ट एक ये सपोर्ट है 36,147, तो इसको मैं 36,100 कर ही लेता हूँ, 36,100। ओके, कर लिया, तो 15 के चार्ट पे चलते हैं। तो आज का मार्केट मूवमेंट देखो, मार्केट ओपन हुआ जैसे कि बोला था 5 मिनट्स के चार्ट पे, इवनिंग से पैटर्न फॉर्म हुआ था, यहाँ पर लोग बैठे थे सेल करने के लिए, और ये है 36,800 का साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट उन लोगों ने बुक कर लिया, और ये है 36,100 का लेवल्स। ओके, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो कल क्या हो सकता है, सेलर्स लोग का यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुक हो गया, वो यहाँ से दोबारा मतलब जो अपना है सेल करके रखा था वो बाय करके एग्जिट हो सकता है। अगर बाय करेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, हल्का सा ऊपर जाकर नीचे आएगा अगर सेलिंग प्रेशर रहेगा तब। अगर 50% से ज़्यादा रिकवर कर जाएगा तो मार्केट 37,000 को ब्रेकआउट कर सकता है। तो आपको किस बेसिस पे ट्रेड लेना है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फिबोनाची को प्लॉट करते हैं लो से हाई तक। ओके, तो मार्केट कहाँ पर है वो देख लेते हैं। मार्केट ने अभी तक 61.8% का जो लेवल्स है इसको टच नहीं किया, 50% में ही है, 50% को ब्रेक करके ही क्लोजिंग दिया है नीचे। तो कल मार्केट 61.8% से अगर रिवर्स होगा तो बाइंग सेट के लिए जाएंगे हम, या 37,000 को ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग सेट के लिए जाएंगे। ब्रेकआउट कब करेगा, अगर इसके पास में थोड़ा सा होल्ड करके मार्केट जाता है, थोड़ा सा ऐसा होल्ड करके ब्रेकआउट देता है, तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा अपसाइड के लिए। तो चलो यहाँ पर जो लेवल से 61.8% वो भी हम मार्क कर लेते हैं। ओके, तो अब लेवल्स आपको देते हैं, ध्यान से देखना, इसके नीचे आप सेल करो या रिप्लेस बाय करो।
और गाइस हमारा प्रीमियम कोर्स भी अवेलेबल है, लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिनिमम सा फीस है, वो भी आप ज्वाइन करके देख सकते हो, द डार्क सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग। इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। इस लेवल को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। या आप यहाँ पर एक लेवल से 36,600 का इस लेवल के ऊपर आप बाइंग साइड के लिए जा सकते हो। ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल ही है और राउंड लेवल है, और मार्केट इसके पास बहुत टाइम फॉल भी किया था, रेजिस्टेंस लिया था, तो दोबारा मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इसके ऊपर बाय या रिप्लेस सेल भी आप कर सकते हो। तो सिंपल वे से मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको करके दे दिया है। तो अब चलते हैं सीधा 5 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं कुछ नेवरन वगैरह हो सकता है कि अगर होगा तो करके देंगे। तो गाइस होने के तो हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया है। तो इस सपोर्ट अगर गैप अप ओपन होकर इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन करता है तब आप सेल कर सकते हो, या इस लेवल्स को ब्रेक करता है तब आप बाइंग साइड के लिए जा सकते हो। बट मैं अभी फिलहाल प्रोवाइड नहीं करूँगा, कल मार्केट देखकर मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा, टेलीग्राम देख लेना। ओके, फटाफट ज्वाइन हो जाना। तो चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो आ चुके हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में भी देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट में देखो इनसाइड बार कैंडल, ओके, इनसाइड बार कैंडल ब्रेक डाउन दिया। आप यहाँ पर एंटर करते, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते और मार्केट ने आपको यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट दे दिया है। ओके, हमने एनालिसिस के हिसाब से तो कल जो एनालिसिस करके दिया उससे काम नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। उसके अलावा भी आप फर्स्ट 15 मिनट्स तक वेट कर सकते थे। फर्स्ट 15 मिनट्स वेट करने के बाद मार्केट ने गैप ब्रेक डाउन दिया तो भी आप सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। वैसे भी आज एक वीडियो आएगा जो इनसाइड बार कैंडल के स्ट्रेटजी के ऊपर होगा, तो इसलिए एक्टिव रहना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो आज के मार्केट ने किया कि नीचे आया, थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट किया और लास्ट में यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया है। ओके, और बनाकर इसको ब्रेकडाउन नहीं किया। अगर ब्रेकडाउन करता तो पोजिशनल के लिए आप एंटर करके रख सकते थे, बट ब्रेकडाउन नहीं हुआ यहाँ पर। तो देखते कल क्या होता है। तो यहाँ पर दो बार ही सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी लिया है। ओके, तो तीन बार सपोर्ट ऑलरेडी ले लिया। तो कल देखते क्या होता है। मार्केट क्लोजिंग हो गया तो प्रीवियस लेवल को डिलीट करते हैं और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो 17,500 का लेवल है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे यहाँ पर एक लेवल है। तो ये दो लेवल सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ। एक तो ये मैंने मार्क कर लिया और एक ये वाला लेवल जो है इसको मैंने मार्क कर लिया। इसको हल्का सा और नीचे कर देते हैं। ओके, तो 15 के चार्ट पे चलते हैं। आ चुके 15 के चार्ट पे। तो आप फिबो को एक बार प्लॉट करके देखते हैं। लो लिया, हाई लिया, फिबो को प्लॉट कर दिया। 61.8% तक अभी पहुँचा क्या? अभी तक देखिए नहीं पहुँचा है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, रिवर्स होगा तो हम बाइंग सेट किया ट्रेड ले लेंगे। तो चलो इसको इस कैनल पे लो पे ही ले लेते हैं। तो अब फिबो को रिमूव कर लेते हैं। इसके नीचे हम सेल करेंगे या रिप्लेस बाय करेंगे। हो गया। तो अब बाइंग साइड के लिए कब ट्रेड लेंगे? एक तो ये लेवल से इसके ऊपर जाते ही हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा मार्केट को। अगर होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सीधा क्या हो सकता है, मार्केट ब्रेकआउट देकर ऊपर जो सेलिंग किया था उनका स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आएगा। अगर देखो मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट देता है तब आप क्या करो, सीधा सेलिंग साइड के लिए आ जाना, पुट बाय कर लेना। ओके, तो मार्केट नीचे जरूर आएगा, आने के बाद दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके या नीचे आकर प्राइस एक्शन बनाकर ही ऊपर जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प पे अगर एक बार में ब्रेकआउट होता है तो अब बाइंग साइड के लिए मत जाना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो आप बाइंग साइड के लिए कब जाओगे? कल ये वाला लेवल्स, इस लेवल्स को अगर मार्केट क्रॉस करता है फर्स्ट तरह के यहाँ तक बनाना और बाइंग साइड के लिए पिंडाज जाना। तो चलो इस लेवल्स को भी मैं मार्क करके दे देता हूँ। इसके अंदर हाई ले लिया, इसके ऊपर बाइंग साइड के लिए जाना। नेवरन वगैरह करना होगा तो 5 मिनट के चार्ट पे चलकर देखते हैं, नेवरन होगा तो करके देंगे आपको। तो गाइस यहाँ पर नेवरन की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर कुछ एम पैटर्न यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो इसका ब्रेकडाउन देगा तो भी आप सेल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 61.8% का जो लेवल्स है वो है
या से मार्केट रिवर्स हो सकता है, वेट करना। अगर इसको भी ब्रेकडाउन देता है तभी आप सेलिंग साइड के लिए एंटर करना। तो बाकी मार्केट ही गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इसका जो अपडेट होगा टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो ज्वाइन हो जाना। तो अगर कुछ समझ में नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने के लिए। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो 1 लाख जरूर करना, आपका 1 लाख मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तब तक के लिए अवेलेबल।